गैसेज हैं प्लांट्स में, प्लांट्स हैं नो लुक फॉर द स्टेज ऑफ गैसेज, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो आउट जा रही है, इन आ रही है, प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसको अगर हम देखें कि कौन कौन से सिस्टम है जिसके में गैसेज के प्लांट्स में होगी, तो उसमें सबसे पहले जो सिस्टम आता है उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो बेस है सबसे पहले जो है प्लांट्स में स्टोमेटा है। सेकेंड नंबर पर जहाँ से गैसेज के में प्लांट्स में हो रही है उसमें सेकेंड नंबर पर आ जाता है जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि प्लांट्स में लैंड सेल्स है, ये भी पढ़ेंगे लैंड सेल्स क्या होते हैं। थर्ड नंबर पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो प्रोसेस है वो टेस्टियल का होता है। फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं, उनमें भी गैसेज चेंज होते हैं। एक्वेटिक प्लांट जो कि रिवर स्ट्रीम के पास जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर एक्वेटिक प्लांट को कहते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर जनरल सरफेस से भी जो है ना वो जनरल सरफेस से भी जो है ना ये प्रोसेस हो रहा है इसका कैसे चेंज। अब वन बाय वन देखते हैं कि सोमेटा के जरिए कैसे हैं और लैंड सेल में कैसे है और बाकी जो हिस्से हैं उनमें कैसे। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी भी पढ़ेंगे ताकि ये जो है ना कवर हो। सबसे पहले आया था सोमेटा। सोमेटा में आप देखते हैं कि इसमें बेसिकली कुछ यंग लीव्स हैं, यंग लीव्स हैं उनके अंदर कुछ सोमेटा है और ये सोमेटा जो है यंग लीव्स हैं उनकी उनकी दो एपिडर्मिस एपिकॉन होता है अबव डर्मिस कौन होता है लेयर मीन स्किन। और लोअर एपिडर्मिस में कुछ सोमेटा मौजूद है इसका काम क्या है तो स्किन पर सेल्स का काम है। तो ये सोमेटा यंग लीव के अंदर और स्टेम के अंदर सोमेटा। इसी तरह कुछ जो लीव्स हैं इनके इनर सेल, इनर सेल ऑफ लीव इनको मीजोफिल भी कहते हैं। मीजोफिल का आइडिया आपने ऑलरेडी जो है क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। मीजोफिल सेल में बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और ये ग्लूकोज भी हेल्प करते हैं। तो इनर सेल जो लीव होते हैं मीजोफिल सेल में इनके अंदर भी जो है वो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल हो रहा है। और इसके अलावा इनके अंदर एक और प्रोसेस है वो है एयर स्पेस। इनमें एयर स्पेस का जो वायर है जो एरिया है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाले बोर्ड स्पॉट का। और जैसा कि ऑलरेडी पता है कि लीफ सेल जो है इनको दो सिचुएशन में फेस करते हैं डे टाइम में और नाइट टाइम में। अगर इसी पोर्शन को हमेशा देखें तो डे टाइम के अंदर जो सिचुएशन आती है वो ये आती है कि क्योंकि डे टाइम में सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में है ये एवरी टाइम अवेलेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि डे टाइम और नाइट टाइम डे टाइम के अंदर दो प्रोसीजर होते हैं। एक जो प्रोसीजर का नाम है फोटोसिंथेसिस डे टाइम में और दूसरे का नाम है रेस्पिरेशन। अगर इसको हम रेस्पिरेशन को ऐसे कह देंगे ये सेल रेस्पिरेशन है तो गलत नहीं होगा, ये सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा। सो इन डे टाइम टू प्रोसेस अगर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन साइड पर है कैसे फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है रिलीज होती है ये यहाँ पे कंटिन्यू होती है रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो लिबरेट होगी वो कंटिन्यू होगी फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों इन केस में कन्वर्ट होगा। तो वी कैन सी इन डे टाइम फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन बहुत अच्छा साइड है लेकिन नाइट टाइम में जो ऑक्सीजन नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ऑक्सीजन भी डेवलप नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस से आती है। तो ये एक टर्म है जो कि लीफ सेल ज्यादा फेस करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम। इसके बाद जो गैसेज चेंज का अमल है वो दूसरे नंबर पर आता है वो है लैंड सेल से। बेसिकली जो एंटायर सरफेस है लीफ की उसके वो कवर्ड हुई है कुछ ऐसी जो है ना वो वुड से बाहर से। तो
तो इंटायर सरफेस जो प्लांट की है, खास तौर पे ऐसे प्लांट जिनके जो के मैच्योर प्लांट्स और बड़ी प्लांट्स, बड़ी प्लांट्स में जिनकी बड़ी थिक वुड है और मैच्योर रूट्स के अंदर, उनके अंदर जो इंटायर सरफेस है वो एक खास तरह की कवर के साथ कवर्ड है, उसे कहते हैं बार्क। असल में रेडिएशन के अंदर जो है ना वो दरख्तों की लकड़ी जो है ना उसकी पतली स्तरी होती है, वो बार्क है। ये बार इतने सेंसिटिव है कि इसके साथ गैस या वाटर जो है ना वो आपके अटैच होता है तो वो इसके साथ बड़ा सेंसिटिव है, इंपरवियस है। तो ये इन्हें कहते हैं लैंड सर, ये लैंड सर इनके जरिए भी चेंज ऑफ गैस का प्रोसीजर होता है। तो दूसरा हमने मतलब थोड़ा लैंड सर जो कि जिनमें बूटी प्लांट में जो रूट में होता है इसको लैंड सर जो है ना चेंज है। थर्ड नंबर पे आ रहे हैं डिफ्यूज में, हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर इन एंड आउट ऑफ डिफ्यूज का होता है, इन एंड आउट ऑफ डिफ्यूज का होता है, यानी गैसेस जो हैं वो इन भी हो रही हैं और आउट भी होती जा रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जैसे मॉर्निंग में ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन होती है, नाइट टाइम के अंदर और मून के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से कैरी कर लेते हैं, मॉर्निंग के अंदर ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट को दे रहे होते हैं। इस तरीके से एटोमिक बडिंग प्लांट्स कैसे करते हैं, कैसे ये ऑक्सीजन को हासिल करते हैं वाटर, ऑक्सीजन को हासिल करेंगे वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर रिलीज कर देंगे, इसके अंदर फिर कह सकते हैं। आखिर में हम पढ़ेंगे जो टॉपिक खत्म हो रहा है जनरल सरफेस पे, रूट्स जो है ना उनका डायमीटर थोड़ा होता है, तो थोड़ी डायमीटर के जो है ना जनरल सरफेस जो है ना रूट्स की उनके अंदर भी गैस चेंज होता है, गैस जो है उसी जनरल सरफेस के एरिया के अंदर जाना वो आ रही है उसी से जाना वो एसिड होता है। तो पहला टॉपिक हमारा कम्प्लीट हुआ, बड़ा इसको ब्रीफली जो है हमारी कोशिश ये बताएंगे कि गैसेस में प्लांट में गैस होती है जो कि ब्राउन पर्सन है फाइव के फोर मास का पेपर में आता है, इसके रूल हमने बता दिए बोर्ड पे क्लियर करने। सेकेंड टॉपिक हमारे पास जो एयर के सिलेबस का आता है इसको रेज कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास और वो है ये एयर पैस, एयर पैस आउटसाइड एयर जो है वो लंग्स में आती है और इनसाइड जो एयर है कार्बन से बढ़ जाती है, यानी कि एक ऐसा है जिसमें आउटसाइड एयर वो लंग्स में आएगी और लंग्स की जो एयर है इनसाइड है वो लंग्स से जाना कार्बन से जाना आउट हो जाएगी, यानी वो CO2 आउट हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो एयर में। इसी कुछ कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले नंबर पे हम इसको पार्ट्स लिखते हैं या इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं, कंपोनेंट्स वगैरह का आपके नोट से बनने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें पोर्शन आ जाता है एयर पैसेज के अंदर वो है इसमें नेजल कैविटी, इसको आप वन बाय वन ऐसे याद कर सकते हैं नेजल कैविटी, कुछ बच्चे नंबरिंग कर देते हैं और कुछ बच्चे जो है ऐसे पॉइंट कर नेजल कैविटी में जो है सबसे पहले तो नोज आ जाता है, नोज के बाद नेजल कैविटी आ जाती है और नेजल कैविटी के बाद फिर अगर जनरल देखें तो फेरेंस आ जाता है। पेरेंस की टर्म पहले पढ़ेंगे, आज इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ब्रीफ ब्रीफ करेंगे। पेरेंस के साथ इसमें एक लेयर्स का हिस्सा भी आता है लेकिन हम इसे आगे जो है वो लेयर्स लिख देते हैं और उसके बाद आते हैं ग्लोटिस, ये दो बार में ग्लोटिस और साथ इसमें लिखते हैं एपिग्लोटिस। ग्लोटिस एपिग्लोटिस के बाद एयर की मूवमेंट है कुछ इस तरह है कि वो जाएगी एयर जाएगी वॉइस बॉक्स, तो इसे में आ जाता है लेयर्स में आ जाता है मूवमेंट जाती है एल्विओलर डक्ट्स में, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सीखते हैं एल्विओलर डक्ट्स, और उसके बाद एयर फाइनली जाएगी एल्विओलस।
मेरे ख्याल में इसको इस यहीं से जाना था, फ्रैक्चर इन जाता था, जैसे कुछ चीजें जाना बोर्ड लाने वाले यहाँ सब पहले नंबर पे हमारे पास रहता है नोज। तो नोज के अंदर जो एयर है वो आउटसाइड एयर जो नोज में आएगी और नोज में आने के बाद जो पोर्शन होगा वो आएगा आपकी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का जो एरिया है यहाँ भी एयर आएगी और कुछ स्पेशल ओपनिंग एक्सटर्नल ओपनिंग से आएगी नेजल कैविटी में। तो ये जो है आपकी नेजल कैविटी है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपके ट्रैक हो। नेजल कैविटी में इसके दो पोर्शन है, आप ये कह रहे हैं कि इसका एंटीरियर पोर्शन है पोस्टीरियर पोर्शन है, टू पोर्शन है। एंटीरियर पोर्शन बुक में नहीं है वैसे तो, ये पोस्टीरियर पोर्शन क्या इसको आसान भी कर लें, टू पोर्शन है यानी कि राइट और लेफ्ट, ये राइट और लेफ्ट। अब दोनों पोर्शन जो है ये दोनों पोर्शन जो है दे आर लाइंड बाय फाइन हेयर प्लस म्यूकस। पेपर में आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन हेयर एंड म्यूकस, तो दोनों का फंक्शन हम पढ़ेंगे इसी नेजल कैविटी में। फाइन हेयर और म्यूकस ने बेसिकली फाइन हेयर काम करता है कि उन्होंने डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहा है, दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल इन द फाइन हेयर। और म्यूकस का काम करता है कि इसने वार्म करना है आने वाली एयर को, वार्म द इनकमिंग एयर उसको वार्म कर देगी, स्टीम कर देगी और प्लस ये है कि ये मेंटेन कर देती है बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो पहला पोर्शन कवर हुआ था नेजल कैविटी का जिसमें हमने इसका एक डॉट पर भी कवर कर दिया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन हेयर एंड म्यूकस और नेजल कैविटी पर। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है फेरिंक्स। अगर हम फेरिंक्स की बात करते हैं तो फेरिंक्स में फेरिंक्स एक ऐसा हिस्सा है कि जो कॉमन है फूड और एयर दोनों के लिए, कि इसमें फूड भी जा रही है और इसी से एयर भी निकल जा रही है, जो आगे आगे डिवाइड हो रही है कि सांस के लिए ये फूड पाइप है, ये वेंट पाइप फूड पाइप। तो फेरिंक्स जो है कॉमन है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। अब एयर की मूवमेंट जो है फेरिंक्स पे आ, फेरिंक्स के बाद ये जो एयर है ये चली जाएगी लेरिंक्स। अब लेरिंग्स पे जाके एयर जो है यहाँ पे दो तरह के वॉल्व रहते हैं, एक ग्लोटस और एक एपिग्लोटिस। ये आ गया ग्लोटस और ये एपिग्लोटिस। अगर ग्लोटस जो है वो ओपन होगा तो एपिग्लोटिस ब्लॉक हो जाएगा, एपिग्लोटिस जो है वो ओपन होगा तो क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली ग्लोटस क्या है, एक नैरो सी ओपनिंग है, ग्लोटस इज नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स, नैरो ओपनिंग फ्लोर ऑफ फेरिंक्स। फेरिंक्स की फ्लोर पे एक नैरो सी ओपनिंग है जिसे कहते हैं ग्लोटस। जबकि एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस के बारे में कि ग्लोटस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू, इज गार्डेड बाय फ्लैप ऑफ टिश्यू, ये आ जाएगा एपिग्लोटिस। उसकी साइडों पे जो है फ्लैप है कवर है तो जब यहाँ से ये मूव करती है तो मूव यहाँ से करने के बाद नेक्स्ट जो हिस्सा आता है हमारे पास यहाँ पर जो लिखा है वो आ जाता है ट्रैकिया, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में बेसिकली इसमें पेपर में अगर आ जाए क्वेश्चन कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, आपने बताना है कि टू पेयर है फाइबरस बैंड्स के, फाइबरस बैंड के टू पेयर है फाइबरस बैंड्स के, ये दोनों जो है ना ये लिख दिया था टू पेयर्स, ये दोनों स्ट्रेच हो गए होंगे। स्ट्रेच का मतलब होता है कि ऐसे ना स्ट्रेट बिछे हो गए स्ट्रेच, और स्ट्रेच कैसे हो जाते हैं अलोंग लेयर्स, लेयर्स की लोकेशन पे ये दो फाइबर्स बैठते हैं जो कि स्ट्रेच हो गए हैं। जैसे जैसे एयर जो है वो इनके साथ टकराती है तो ड्रम की तरह ये बीट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब कि एयर जो है जब इन फाइबर्स बैंड के साथ जाएगी टकराएगी तो यहां पर हो जाएगी वाइब्रेशन, और जब वाइब्रेशन होगी तो उससे क्या होगा, उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे हमने आप ये साउंड प्रोड्यूस वो वाली क्या कैटेगरी भी अलग कवर होगी, यहां तक कोई कुछ नहीं। इसके बाद आप आगे देखते हैं एक बार के डिस्कशन पर आते हैं। इसके बाद आता है एयर की मूवमेंट ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया एक विंड पाइप है, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है ट्रैकिया,
यहाँ लिख दिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ट्रेकिया एक लॉन्ग ट्यूब है, एयर की मूवमेंट इसमें होगी और ये आगे तो जाएगी ब्रोंकाइब्रोंक्योल में, लेकिन ट्रेकिया के अंदर बेसिकली कुछ ऐसे सी शेप के ना कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग। 10th क्लास में नहीं आपने पढ़ा हुआ, चैप्टर नंबर 30 में पढ़ा हुआ है कि कार्टिलेजिनस क्या होती है। अब होता क्या है,
इनहिबिशन के अंदर जब ऑक्सीजन जो है इन होती है, यानी कि जब इंस्पिरेशन होती है तो उसके अंदर एक मिसल मसल कहते हैं रिंग मसल। रिंग मसल का सेकेंड नेम जो है मेडिकली वो होता है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल ये जो रिंग मसल है, जब इंटरकोस्टल मसल जब इंस्पिरेशन होती है तो इंटरकोस्टल मसल या रिंग मसल जो है बेसिकली क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे हम मैं इनहेल कर जब इनहेल किया तो इंटरकोस्टल मसल सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जब इंटरकोस्टल मसल हो गए तो रिब्स जो है वो रेज हो गए। हम यहाँ लिखते तो रिब्स क्या हो जाएंगे, रिब्स आर रेज। जब रिब रेज हो जाएंगी अप हो जाएंगी उसके वजह से जो डोम शेप डायाफ्राम है, डोम शेप डायाफ्राम, ये डोम शेप डायाफ्राम बेसिकली ये लंग्स के बिलो है, बिलो लंग्स ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि वो लोड हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, एंड इज लोड डाउन हो जाएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसके नीचे जो है बिलो यहाँ पे एक डायग्राम होता है जिसको यहाँ दिखाया हुआ है पेज नंबर 8 पे। डोम शेप डायग्राम जो है वो एक के अंदर डाउन हो रहा है और नेक्स्ट के अंदर अप होता जा रहा है। अब इसको देखते हैं कि जब कैसे कंडीशन होगी, इसको आगे लेकर चलते हैं तो उसमें फिर क्या होगा कि जो एरिया है थोरैसिक कैविटी का जिसमें लंग्स है, एरिया थोरैसिक कैविटी कहते हैं जिसमें पसलियों का भीतर है, थोरैसिक कैविटी वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब एरिया थोरैसिक कैविटी बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से जो प्रेशर है, प्रेशर इन लंग्स वो कम हो जाएगा। जब प्रेशर इन लंग्स रिड्यूस हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, जो आउटसाइड एयर है वो लंग्स की उस डाउन प्रेशर को पूरा करने के लिए आउटसाइड एयर वो आ जाएगी, जल्दी से आएगी आउटसाइड एयर रशिंग इनटू द लंग्स, इनटू लंग्स इक्वलाइज प्रेशर, इक्वलाइज प्रेशर। तो ये हमारे पास एक टॉपिक हुआ, ये ऐसे ही है कि इनसाइड एयर जो है वो रूम की जो है बेसिकली वो हॉट है और आउटसाइड एयर जो है वो एनवायरनमेंट कोल्ड है, तो जैसे विंडो ओपन की तो आउटसाइड एयर से इनसाइड एयर जो सारा प्रेशर तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे रिंग मसल यहाँ पे कॉन्टेक्ट हुए इंटरकोस्टल मसल, यहाँ पे क्या हो जाएंगे एक बार एक्सलेशन में वो रिलैक्स हो जाएंगे, यहाँ पर रिंग मसल रिंग रेज हो गई, यहाँ पे रिंग डाउन चले जाएंगे, यहाँ पे डोम शेप डायाफ्राम जो है बिलो जो कि कॉन्टेक्ट हो गया एक्सलेशन में जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, यहाँ पे लोड हो गया यहाँ पे वो अप हो जाएगा, यहाँ पे एरिया थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे एक्सलेशन में वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इन लंग्स यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा एक्सलेशन में, और आउटसाइड एयर जो है जो लंग्स में आ रही है वो इक्वलाइज प्रेशर को नहीं करेगी बल्कि वो ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन एक्सचेंज। यहाँ पे दो चीजें ये कवर हो गया हमारा टॉपिक। यहाँ पे ये आ जाता है कि जो पेपर में प्रैक्टिकल पोर्शन में भी पूछा जाता है कि जो ब्रीदिंग रेट है ह्यूमन का, ब्रीदिंग रेट ह्यूमन रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग के अंदर वो है 16 to 20 times per minute, पेपर में एमसीक्यू आता है वेरी इंपॉर्टेंट 16 to 20 times per minute, इन एक मिनट के अंदर 16 to 20 times रेट ऑफ ब्रीथिंग होगा तो ब्रीथिंग रेट होगा, और उसके बाद ब्रीथिंग रेट जो है वो अगर एक्सरसाइज हो किसी में, अगर एक्सरसाइज होगी तो 30 to 40 minutes per minute 40 times per minute होगा। बेसिकली आप इसको कंट्रोल कौन करता है, इससे पेपर में आता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर बेसिकली इज लोकेटेड इन ब्रेन एंड इट इज वेरी सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिव हो जाता है, जब रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिव हो जाता है तो ये मैसेज भेजता है ब्रेन से रिब मसल को कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बड़ा था इंफेक्शन, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो फिर रिब रेज हो जाएगी, जब रिब रेज हो जाएगी तो डोम शेप डायाफ्राम डाउन चले जाएगा और एरिया जो है थोरैसिक कैविटी का बड़ा हुआ था उसमें आउटसाइड एयर को यूटिलाइज कर देगी, तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर का फंक्शन है। जब आप इसको कर रहे हैं
इसका मतलब कि रेस्पिरेटरी सेंटर उसको एक्टिव होगा जब ब्लड में कंसंट्रेशन का अपने 50 बढ़ जाए। ये पेपर में आप पेपर में क्वेश्चन आ गया पर बट जब कंसंट्रेशन का अपने बढ़ जाएगी व्हेन वी आर डूइंग अ हार्ड जॉब व्हेन वी वॉक व्हेन वी एक्सरसाइज तो उसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट है वो ये नहीं रहेगा बल्कि वो आएगा 30-40 टाइम्स फोर टाइम्स पर। तो ये हमारे पास टॉपिक में ब्रीदिंग भी कवर होगी, इंग्लिश भी कवर होगी, एक्सरसाइज भी कवर होगी और सारे एक्सपर्ट सेंटर के टॉपिक्स भी कवर होगी। इसके बाद बेटा जी अब आखिरी हमारे पास टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसमें दो टर्मिनोलॉजीज हैं और इसमें 25 मिनट्स हमारे पास स्पेक्ट्रम में कवर हो गए, बस 5-7 मिनट का लेक्चर हो रहा है और ये कवर हो गया। उसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है ब्रोंकाइटिस का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। आप एयर के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं वो कम किए हुए हैं और उसमें पहला जो टॉपिक है वो है ब्रोंकाइटिस। हमने देखना है, आपने पहले पढ़ा होगा लेकिन इसको नोट्स की फॉर्म में चाहे बुक पे मेंशन कर लें चाहे याद करने पहले इसको डेफिनेशन और हेडिंग के जरिए आप लेना। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन क्या। डेफिनेशन हेडिंग बनाने के बाद आप लिखेंगे इंफ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस। इंफ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस तो ये डेफिनेशन किससे आ जाएगी, ये आ जाएगी ब्रोंकाइटिस। ये पहले डेफिनेशन से होगी, सेकंड नंबर पे आ जाएगा कि डेफिनेशन के बाद कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसकी कॉज क्या है। इसको मेडिकली हम इटियोलॉजी भी कहते हैं, वो भी लिखने से बाद ETIOLOGY। इटियोलॉजी का मतलब होता है कैसे ही होती है। तो जो ब्रोंकाइटिस है ये उस वक्त होती है जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्चर होना छोड़ दे, ज्यादा बढ़ जाए किसके अंदर, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर। जब ज्यादा होना शुरू हो जाएगा उसकी वजह से क्या हो जाएगी, वो ट्यूब स्वेल हो जाएगी। जब वो ट्यूब स्वेल हो जाएंगी तो स्वेलिंग हो जाएगी, जब स्वेलिंग हो जाएगी तो वहां पे जो है नैरिंग होगी, उसका सरफेस एरिया कम होना शुरू हो जाएगा। जब नैरिंग और ट्यूब हो जाएगी तो हैंस ब्रोंकाइटिस इज कंफर्म। उसके बाद आता है कि ब्रोंकाइटिस जो है बेसिकली इसकी जो मेगा जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन कौन से, पॉजिटिव एजेंट ये जिनकी वजह से जो है वो ब्रोंकाइटिस होता है वो कौन कौन से होते हैं। मोस्टली जो है इसके अंदर जो सबसे पहले रोल प्ले करता है, इसको आप पेपर में लिखेंगे तो ऐसे बोर्ड फॉर्म में लिख लें, आप चाहे आप लाइन लगा लें, सबसे पहले नंबर पे आ जाए वायरसेस, नंबर सेकंड पे आ जाता है उसमें बैक्टीरिया, ऐसे ये अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन में रहती है वायरसेस बैक्टीरिया। और इसके अलावा एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, एक्सपोजर हम फेस कर एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स। केमिकल इरिटेंट्स कौन से हैं जो कि एयर पैसेंजर को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो तंबाकू स्मोक। तंबाकू स्मोक की वजह से जो ब्रोंकाइटिस ट्यूब है वो डैमेज हो, इस तरीके से तो इसकी कॉजेज भी आ गई और इसके पॉजिटिव एजेंट्स भी कवर हो गए। अब इसके बाद हेडिंग बनाते जा रहे हैं पॉजिटिव एजेंट्स के बाद, अब आ जाता है कि इसकी डाइट कौन कौन सी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, हेडिंग आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, होगी तो वो एक्यूट में हो गया, जैसे एपेंडिसाइटिस है जल्दी होता है ऑपरेट हुआ ठीक हो गया, एक्यूट आ गया। क्रॉनिक में आ जाता है जो मोर देन 6 मंथ हो, जैसे उदाहरण हमारे किसी को कैंसर है, किसी को हेपेटाइटिस है, स्टेजेस है, एड्स है, सो मेनी डिजीज आ जाते हैं, तो वो जो 6 मंथ से ज्यादा बढ़ता रहे क्रॉनिक ये आपको ही आता है। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस ऐसे नाम से वजह आपको बता दें कि शॉर्ट टर्म है तो इसका जो टोटल टाइम होता है वो 2 वीक्स है। आप यहाँ पे राइट करेंगे ड्यूरेशन, उसमें दोनों कैटेगरीज कवर है, ड्यूरेशन भी क्या है 2 वीक्स, और जब ये 2 वीक्स होता है इसमें कोई नो परमानेंट डैमेज था हेडिंग में, और वो बता दें ब्रीफ के अंदर
नो परमानेंट डैमेज टू लंग्स फ्रॉम वाई के ऊपर कोई परमानेंट डैमेज नहीं। लेकिन अगर हम मणिपुर गाइडेंस की बात करते हैं उसका टोटल ड्यूरेशन है तो 3 मंथ से लेकर 2 ईयर अब इसके अंदर डैमेज है यहाँ भी इसमें परमानेंट डैमेज है ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो आ गया इसकी टाइप के बारे में अब थोड़ी सी बात करते हैं टॉपिक लास्ट है पेपर में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म के और पेपर में ज्यादा आता है सिम्टम्स क्या होते हैं सिम्टम्स को आप एडिंगाइज करेंगे सबसे पहले सिम्टम जो है वो गाइडेंस में देखी जाती है और है सब में आती है वो है कब इसमें कथिंग रेस्ट क्योंकि सारी बात है कि नैरिंग और ट्यूब है बिल्कुल आ गए तो उसके अंदर स्वेलिंग हो गई है तो सबसे पहले टर्म आती है वो कब है कब के बाद जो दूसरी टर्म आ जाती है वो आ जाती है इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से पहले हम माइल्ड ब्रीजिंग ब्रीजिंग का मतलब होता है कि जब एयर प्रेशर जो है वो थोरैसिक कैविटी के ऊपर सीने के ऊपर ज्यादा लगे चेस्ट पे लगे तो वो ब्रीजिंग है जिसमें साउंड भी जनरेट होती है कब के अंदर नंबर थर्ड क्या है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में दिक्कत होती है इसको मेडिकली या आप बच्चे थे हमें शॉर्ट एसओ भी मिल जाती है डॉक्टर ने एसओ भी शॉर्ट होते और एसओ भी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के बाद में ये उस वक्त शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है जब हार्ट जॉब कर रहे होंगे एक्सरसाइज कर रहे होंगे और लास्ट में चिल्स चिल्स का मतलब होता है कि पूरी बॉडी के अंदर जो है वो कोल्डनेस आ जाती है कंडेंस हो जाती है पूरी बॉडी और एक और इसमें अभी इसमें ऐड नहीं किया मगर फीवर ये रैंडमली लिखते हैं ये टोटल मेरे ख्याल में 5 बंदे या 4 बंदे 1 2 5 बंदे ये सारे इसमें कवर हो तो कब फॉर माइल्ड ब्रीदिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ चिल फीवर ये 5 सिम्टम है इसके लिए आपने तो ब्रोंकाइटिस का हिस्सा जो है कवर हो गया। इसके बाद जो सेकेंड डिसऑर्डर है जो एयर के स्पीकर में शामिल है वो है एम्फाइसीमा इसी में से शॉर्ट कट में मुझे आते हैं एनी लॉन्ग कट जितना शॉर्ट टॉपिक है उसमें से लॉन्ग कट ज्यादा एम्फाइसीमा एम्फाइसीमा तो हम लिटरली जो है वो आमतौर पे जिसको साइंस का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो हम कहते हैं इसको तेज से सांस लेना पड़ता है तेज से सांस लेना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन है वो बताते हैं कि इसमें डिस्ट्रक्शन होती है एयर सैक्स की एयर सैक्स की जब डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम एयर सैक्स के बारे में पढ़ा है एयर सैक्स क्या होते हैं एयर सैक्स में बेसिकली एल्वियोलाई है एल्वियोलाई में उनकी वॉल जो है वो क्या होती डिस्टर्ब होती जब एल्वियोलाई डिस्टर्ब हो जाएगी तो एल्वियोलाई बेसिकली ना उसमें मैं आपको बताते हैं सैग एक स्ट्रक्चर है इसमें कैपिलरीज है इसमें मूवमेंट जो है उस तरीके से हो रही है कि इसका जो डायमीटर है ना बड़ा कम है इसमें ऑक्सीजन इन भी हो रही है ऑपरेशन जा भी रही है फिर ऑक्सीजन इन हो रही है ऑपरेशन जा रही है यानी ये मूवमेंट जो है होता है इन भी हो रही है और आउट भी हो रही है लेकिन जब एम्फाइसीमा का प्रोसीजर होता है तो वहाँ पे ये अमल नहीं होता वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इन हो रही है और जो सर्फेस एरिया ना बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से एयर जो है वो बाहर नहीं मूव कर रही एयर जो है वो ऑक्सीजन जो है इन हो रही है लेकिन ट्रैप हो गई इन हो रही है और ट्रैप हो गया और फिर इन हो रही ट्रैप हो रही है बाहर जाने का जो एरो है ये छोटा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे ट्रैपिंग हो गया तो ये आ गया एम्फाइसीमा और ये नॉर्मल है तो नॉर्मल इसमें फर्क आ गया नॉर्मल ही आपका डिस्ट्रक्शन हो गया सरकारी बात है जब एयर सैक्स में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा लंग टिश्यू ब्रेक हो जाएगी जब लंग टिश्यू ब्रेक हो जाएगी तो इन्हेलेशन तो होगी एक्सपायरेशन नहीं होगी लंग खत्म नहीं होगी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएंगे एक्सपायरेशन के अंदर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं नाउ द लंग्स कुड कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन ये आ जाएगा जिसकी बेसिकली क्या होगी क्योर हो जाएगी। अब इसके सिम्टम की बात करते हैं यहीं पर भी करते हैं इसके डायग्राम हम डालते हैं और सिम्टम है इसमें जो सिम्टम आ जाते हैं जब ऐसी कैटेगरी होती है तो इसमें भी सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हर एक के अंदर आता है इसमें भी सांस में दिक्कत होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और जब सांस में प्रॉब्लम होती है डिफिकल्टी ब्रीथिंग होती है जैसे एक केस में देखते हैं कि पेशेंट फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऐसी कैटेगरी के अंदर जो सेकंड चीज आ जाती है वो है कि उसमें फटीग आ जाती है थकावट महसूस होने लगती है बार बार उसको रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह ये भी हो सकता है उसकी जो लंग्स की टिश्यू है वो शायद ब्रेक हो गई उसका कुछ हिस्सा जो है लॉस हो गया है इसके बारे में तो जब ऐसी कंडीशन में 50-70 पेपर में एमसीक्यू भी आता है तो 70% जो लंग टिश्यू है वो ब्रेक हो जाती है नेक्स्ट टाइम आप हाई रेटर पे बात करो तो 50-70% उसकी लंग टिश्यू ब्रेक होती है इसका मतलब जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है
इसलिए ये प्रॉब्लम जो है ना वो आ रही है। और आखिरी इसका जो सिम्टम यहाँ पे मेंशन कर रहे थे वो था वेट लॉस। वेट लॉस और लंग टिश्यू ग्रो हो जाएगा फिर वेट लॉस हो जाएगा वो 50-70% ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हेंस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड ड्यू टू दिस कंडीशन इज लो सो इट कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। सीरियस कॉम्प्लिकेशन के सेकेंड नंबर पे इसमें और म्यूकस प्रोडक्शन है। म्यूकस प्रोडक्शन मैंने बताया था आपको नॉर्मली जो है नोज और ब्रोंकेट टू में होता है कि उससे ज्यादा हो जाए तो एब नॉर्मल हो जाता है ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम। और फिर नैबिंग ऑफ एयर नैबिंग ऑफ एयर ये तीन फैक्टर जो है ना ज्यादातर एस्मा में देख रहे हैं। और बेसिकली एस्मा की कॉज में ये आता है कि जब इन तीनों चीजों के अंदर एस्मा पेशेंट्स के अंदर इसके अलावा केमिकल इरिटेंट्स के अलावा जो है ना वो और फैक्टर भी आते हैं जैसे स्मोकिंग वगैरह भी है जो यहाँ मेंशन नहीं किए। तो आप जब ये सारे एलर्जन जो है ना इन ट्यूब्स को हिट करेंगे तो उसकी वजह से जो सेंसिटिव एयर वेज है उनके अंदर में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है कि वो उनका नैरो होने का लगा जब कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं तो पेशेंट की इंजरी पर ये करते हैं। ये पहला पैदा हमारे लिए। अब अगर इसी सिम्टम की बात करते हैं तो इसके सिम्टम जो है ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन में इसके सिम्टम वेरी करते हैं। अगर पहला सिम्टम की बात करते हैं तो फर्स्ट सिम्टम इसमें जो आता है वो ये फिर इसमें वही है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। मैंने शुरू में बताया कि हमारा शॉर्टनेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है ये ज्यादातर जो डूइंग हार्ड वर्क तो होता है लेकिन ये एट नाइट जो है बार बार खांसी का आना एग्जर्शन होती है चेस्ट कैविटी में तो इसका एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सिमिलरली मेजर सिम्टम भी आपको बता दी। इसके अलावा वीजिंग है। वीजिंग का वर्ड पहले आ चुका है। वीजिंग का मैंने बताया कि चेस्ट कैविटी में प्रेशर बढ़ता है और विस्लिंग साउंड निकलती है। विस्लिंग साउंड इज मुंह की साउंड निकलती है। कुछ पर्सन कफ जो है वो ड्रमिंग कफ होती है विस्लिंग कफ होती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है वो है वीजिंग के बाद कफ और चेस्ट टाइटनेस। तो ये बड़ी जो है ना अनकम्फर्टेबल सी कंडीशन रहती है कि जिसके अंदर पर्सन जो है वो एस्मा का कंडीशन हो गया ना मारे जाए। ये फैक्टर्स भी आ गए डेफिनेशन भी आ गए सिम्टम्स भी आ गए। अब आ जाता है इसके ट्रीटमेंट क्या है। जैसे आप पेपर में हेडिंग में जाएंगे तो ट्रीटमेंट की हेडिंग में कुछ केमिकल ऐसे चाहिए हमें कि जो इसको ट्रीट करें। वो केमिकल जो है ज्यादातर इनहेलेशन होते हैं। इनका काम ये है कि ब्रोंकाई को डायलेट करना है। द ब्रोंकाई खत्म हो गए होते डैमेज हो गए डायलेट कर तो दीज आर कॉल्ड इनहेलर्स। एमसीटी से पूछा जाता है और वैसे ये शॉर्ट उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। एस्मा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और द लास्ट टॉपिक हमारे पास है डाइजेशन चेंज केयर टॉपिक में मैट। इसको जल्दी से समराइज कर देते हैं और इसके बाद ये टॉपिक मैट का टॉपिक मैट का टॉपिक स्वम्पिंग के अंदर तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है। इसमें हमने फैक्ट्स बताने सबसे पहले तो फैक्ट आ जाता है बेसिकली स्मोकिंग जो है बड़ी जो है ना वो डेंजरस है सरफेस के लिए। लेकिन कुछ पर्सन ये कहते हैं कि स्मोकिंग जो है वो डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि लंग्स कैंसर के बारे में कहते हैं कि उसकी वजह से होता है। इसलिए नहीं क्योंकि स्मोकिंग का ना सिर्फ लंग्स कैंसर लंग्स टिश्यू के ऊपर बल्कि दूसरे जो पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के उसके ऊपर बड़ा बैड इफेक्ट होता है। तो अगर हम इसे कैटेगोरिकली देखें स्मोकिंग बैड इफेक्ट टू स्मोकिंग को तो इसमें स्मोकिंग वेरी हार्मफुल क्योंकि तंबाकू स्मोक जो है उसके अंदर 4000 केमिकल्स हैं। तंबाकू स्मोक में 4000 केमिकल्स और इन 4000 केमिकल्स के अंदर देखें तो 50 ऐसे केमिकल हैं जो कि कैंसर कॉज होता है। कैंसर कॉज होता है 50 ये पेपर में एक्चुअली लगता है कि टोटल 4000 है पर 50 ग्राम पर
ये तो बहुत कुछ मूव है बेसिकली नॉन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बल्कि सर्वो सिस्टम को भी साथ साथ अफेक्ट करता है. सो दिस इज अ ग्रेट फॉर वेलनेस.